हेलो बच्चों हाउ आर यू कैसे हैं आप सब आइए आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फाइंडिंग डिस्कस करना चाहता हूं ओके okay. ये ऐसा हुआ कि मैं कल क्लास uh, ले रहा था इनडेफिनेट इंटीगल्स की तो वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट जिसको हम लोग स्टैंडर्ड इंटीगल का रिज़ल्ट कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इज टैन इनवर्स एक्स आइए मैं लिख देता हूँ उसको इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू इज टैन इनवर्स एक्स प्लस सी ठीक है अब किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि क्या मैं इस रिजल्ट को सब्सिट्यूशन ना करके पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके बना सकता हूँ क्या मैं इस रिज़ल्ट को निकाल सकता हूँ तो बेसिकली क्वेश्चन सिंपल था क्वेश्चन था कि इस रिजल्ट को लाने के दो तरीके होते हैं एक तो आप एक्स को सब्सिट्यूट कीजिए टैन थीटा ठीक है दूसरा तरीका यह होता है कि आप अपना इन एंटी डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है टैन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वन बाई वन प्लस एक्स को उसी को यूज करके इस रिजल्ट को निकाल लीजिए राइट तो उसका सवाल यह था कि क्या इस रिजल्ट को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या यह पार्शियल फ्रैक्शन से निकल सकता है तो सबसे पहले तो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए फैक्टराइज करूंगा तो डिनोमिनेटर को मैं ऐसे फैक्टराइज करता हूँ एक्स माइनस एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई के रूप में जहां पे हमारा आई क्या है नेगेटिव रूट ऑफ़ है, है? ठीक अब इसको मैं ब्रेक करता पार्शियल फ्रैक्शन में, तो मैं ब्रेक कर सकता हूं प्लस आई करेक्ट अब इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स प्लस एक्स इसका इंटीग्रेशन करते हैं ओके सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 x एक्स माइनस आई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस आई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है अब तक तो कोई समस्या नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो इसका रिजल्ट होगा एलेन ऑफ एक्स माइनस आई माइनस एलेन ऑफ एक्स प्लस आई ओके प्लस असी बट i, i. Okay, i के टर्म में तो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा जो फाइनल रिजल्ट था वो तो tan इनवर्स x था तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा थोड़ा तो सा कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करूँगा हम सबको मालूम है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट फॉर्म में ए प्लस आई भी होता है और उसको अगर ऑयलर फॉर्म में लिखें तो वो हो जाएगा आर ई टू दर आई थीटा वेयर आर इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है तो इस आइडिया का यूज़ करके क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स माइनस आई इज आर विच इज़ द मॉडुलस ई टू दार आई थीटा ना थीटा के जगह पे मैं टेन इनवर्स माइनस वन बाई एक्स का यूज़ कर रहा हूँ अब यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके मन में कि एक्स का साइन तो मालूम नहीं है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि किस क्वार्टर में फॉल कर रहा है कैसे डिसाइड कर रहे हो कि उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक अजम्पशन लूँगा कि मेरा एक्स जो है वो पॉजिटिव है अगर ये एजम्शन मैं नहीं लूंगा तो क्या होगा कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा बहुत सारे केसेस के लिए करने पड़ेंगे एक्स पॉजिटिव के लिए करना पड़ेगा एक्स नेगेटिव के लिए करना पड़ेगा जीरो के लिए करना पड़ेगा तो जस्ट टू सेव द टाइम ऑफ माई व्यूअर्स एंड ऑफकोर्स टू मेक द वीडियो स्मॉल तो मैं इस चीज़ को पॉजिटिव मान के ही कर रहा हूँ सिमिलरली x प्लस आई को भी मैं ऐसे कर सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन ई टू दई टेन इनवर्स वन बाई एक्स ठीक है वेरी गुड तो क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वहां पे एलेन इन्वॉल्व है यहां पे आप देख रहे हो गए कि एलेन इन्वॉल्व है लॉक टू द बेस इन्वॉल्व है तो आइए इन टर्म्स का लॉग ले लेते हैं सो so, इसका लॉग हो जाएगा एलेन ऑफ एक्सक्वेयर प्लस वन इन टू ई टू दई टन इनवर्स माइनस वन बाइक्स ठीक है लॉक की प्रॉपर्टी तो हम सब जानते हैं ग्रेड इलेवेंथ में ही हम लोगों ने लॉक पढ़ा था तो इट विल बी एलेन ऑफ अंडर रूट एक्सक्वायर प्लस वन एल एन ऑफ दिस टर्म नाउ देखिए इस टर्म में ई टू दी पावर समथिंग है तो पावर तो नीचे आ जाएगा एंड इट बिकम टैन आई टैन इन माइनस वन बाय एक्स राइट सिमिलरली आई कैन ऑल्सो से दैट एल एन ऑफ एक्स प्लस आई क्या होगा एल एन अंडर रूट एक्स स्क् प्लस वन प्लस आई टैन इनवर्स वन बाय एक्स ठीक है अब ये दोनों रिजल्ट को हम लोग अपने इंटीग्रल में सब्सिट्यूट करते हैं चलो उस इंटीग्रल का नाम दे देते हैं वन ओके सो सब्सिट्यूट द अब टू इन वन सो वट एंड ऑफ गेटिंग द इंटीग्रल एज आई एंड ऑफ गेटिंग द इंटीग्रल एज वन बाई टू आई एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस आई टैन इनवर्स माइनस वन बाई एक्स माइनस एल एन अंडर रूट ऑफ एक्सर प्लस इनफैक्ट आपको जो में मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा माइनस टू आई टैन इन वर्स वन बायस आई होप एवरीबडी नोज दिस प्रॉपर्टी की ये जो टैन इन वर्स माइनस वन बाय एक्स है इसे हम माइनस ऑफ टैन इन वर्स वन बाय एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि टन uh, इनवर्स एक ऑर्ड फंक्शन होता है ठीक है सो दिस गोइंग दिस इज गोइंग टू रिड्यूस टू नेगेटिव टैन इनवर्स वन बाई एक्स ओके बट अभी भी ये हमारे आंसर से मैच नहीं खा रहा है राइट right? हमारा आंसर था टैन इनवर्स एक्स तो कोई बात नहीं यहाँ पे हम लोगों ने एक्स को पॉजिटिव लिया है तो सिंस एक्स इज पॉजिटिव इन माई गिवन एक्सप्रेशन हालांकि पॉजिटिव नहीं भी होगा तो आपका आंसर आएगा तो आपने एक्स को पॉजिटिव लिया है तो आप टैन इनवर्स वन बाई एक्स को कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं ठीक है और कॉट इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो फाइव बाई टू माइनस टैन इनवर्स एक्स क्योंकि आपको सप्लीमेंट्री सॉरी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी मालूम है क्या प्रॉपर्टी होती है टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू सो यहां से मैंने इसको ऐसे लिख दिया सो फाइनली ये जाके क्या बनेगा माइनस फाइव बाई टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी Right or c or minus pi by 2 will again be another c because that will still an arbitrary constant, and that's the reason why we end up getting this result. So many c dash like there, but it doesn't matter. So through this video, I just wanted to show you an alternative way to get to the result that you can still get 1 by 1 plus x square integral with respect to x as tan inverse x plus c, even though you decide to use your partial factions. Thank you so much for watching.